वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल की बड़ी की सब्जी, और ये सब्जी हमने बिना लहसुन और प्याज के बनाई है। तो इसके लिए हमने उड़द की दाल को छिलके वाली ली थी, उसको हमने भिगा दिया था, और उसे उसके जो छिलके हैं वो निकाल के अच्छे से पानी से धो के उसे हमने पीस लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बिना पानी डाले पीसना है ताकि जो ये उड़द की दाल है वो थोड़ी सी टाइट रहे, क्योंकि इसके हमें पकौड़ी बनाने हैं। इसमें हमने कुछ मसाले डाले हैं, ये नमक था, इसमें हमने मिर्ची मिला के पीस लिया था, और थोड़ी सी इसमें हल्दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है। सारी चीज़ों को मिला के हमें इसकी जो उड़द की दाल है उसकी हमें पहले पकौड़ी बनानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिला लिया है, और इसको हमें हाथों से ही अच्छे से फेंटना है। जितना हम इसे फेंटेंगे उतनी जो इसकी पकौड़ी है वो सॉफ्ट बनेगी। और अब हमें कढ़ाई में तेल लेना है, और तेल में इसकी छोटी छोटी हम पकौड़ी बनाएंगे। और आप देख सकते हैं, ये सभी पकौड़ियों को हमें अच्छे से इसमें सेकना है तेल में पलट के, और जब ये लाल हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। अब एक हमने कटोरी में थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है। मसाले आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। इसमें हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है, केवल इन्हीं मसालों से हमने ये सब्जी बनाई है। और ये पकौड़ी भी हमने सेक ली है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा भूनना है। और इस तरह से हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे सभी मसालों को। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो ये सब्ज़ी आपके लिए है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगे हैं और ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है। और एक इस तरह से हमने बड़ा पकौड़ी बना ली है, और इसको जो जिस बर्तन में हमने दाल रखी थी उसी में थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको हमने डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे हाथों से। और ये तेल में हम मसाला भी भून रहे हैं साथ ही साथ, जो हमने हल्दी मिर्ची और धनिया का मसाला घोला था पानी में, और इसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे हाथों से, क्योंकि इससे ही जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी सी गाढ़ी बनेगी। तो इसको हमने उसी पानी में अच्छे से फोड़ लिया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से ही हमें ऐसे करना है। और ये पानी हमने जो मसाला हम कढ़ाई में भून रहे थे सब्जी के लिए, उसी में हमें इसे मिक्स कर देना है। तो इससे दाल भी कच्ची नहीं रहेगी, और जो ग्रेवी भी है वो भी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, मसाला भी हमारा भून गया है, जो तेल है वो अलग हो रहा है मसाले से, और जो हमने पकौड़ी इसमें डाल के पानी में डाल के मिक्स करी थी वो पानी इसमें हम डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम अब उबलने देंगे, और जब ये अच्छे से इसका जो ग्रेवी है वो पक जाएगी, उसके बाद इसमें हम पकौड़ी जो है वो इस तरह से दोनों हाथों से हम तोड़ लेंगे। और ग्रेवी में हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और ये पकौड़ी हमने तोड़ के रख ली है, और जब ग्रेवी हमारी पक जाएगी तो उसमें ये हम डाल देंगे। ये दाल की वजह से ये जो पानी है वो इस तरह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने दाल जो दाल की पकौड़ी एक बड़ी सी बनाई थी वो इसमें हमने मिक्स करी है, उसकी वजह से इस तरह से ये हो रहा है। और जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें हम ये पकौड़ी डाल देंगे। तो इस तरह से जो हमारी सब्ज़ी वो बन के रेडी हो जाएगी। लास्ट में डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो धन्यवाद आपका, और कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो है रेसिपी आपको कैसी लगी।